हेलो स्टूडेंट, वी ऑलरेडी डिस्कस्ड समथिंग कॉल्ड प्रिज्म फॉर्मूला। इन दैट प्रिज्म फॉर्मूला वी गॉट एन इक्वेशन। व्हाट वाज दैट इक्वेशन? लेट्स राइट इन दैट इक्वेशन। प्रिज्म फॉर्मूला वाज म्यू इज इक्वल टू साइन ऑफ ए प्लस डेल्टा एम डिवाइडेड बाय टू अपॉन sin of a by 2. What is a and what is delta m? A is the refracting angle of the prism and delta m is the angle of minimum deviation. Now we know these are basically sine of some angle upon sine of some angle. We know if theta is very small, and measured in radians, measured in radian, then sine theta is approximately equal to theta, right? We know this. Now, let's say if we have a thin prism. What do you mean by a thin prism? A prism with very small refracting angle is called a thin prism. A prism having very small refracting angle, is called thin prism. चलिए, now let's see thin prism. हमने क्या लिखा कि refract angle छोटा, यानी कि मेरा diagram कैसे दिखेगा? आपको जो prism है कुछ ऐसा दिखेगा, यानी a की जो value है, a की value बहुत छोटी होगी, ये आपका point C, ये आपका point B, ये a की value क्या रहेगी? बहुत छोटी। now देखिए, ए बी सी हो गया, अभी हमने लिखा कि ए बहुत छोटा है, कहाँ गया भाई? स्मॉल रिफ्रैक्टिंग, स्मॉल होना बहुत जरूरी है। नाउ फॉर अ थिन प्रिज्म, क्या लिखेंगे हम? ए इज वेरी स्मॉल, ए बहुत छोटा है। हमें एक इक्वेशन पता है, क्या है वो इक्वेशन? एक बहुत ही फेमस इक्वेशन हमने डिराइव किया था प्रिज्म फॉर्मूला के दौरान, दैट ए प्लस डेल्टा इज इक्वल टू आई प्लस ई। अब ये नोटिस करने वाली बात है कि अगर ए का वैल्यू बहुत स्मॉल होता है तो डेल्टा की जो वैल्यू है वो भी बहुत स्मॉल होती है, ये हम ऑब्जर्व करते हैं। सो डेल्टा इज वेरी स्मॉल, हेंस ये हमारा बहुत छोटा, एंड डेल्टा इज ऑल्सो स्मॉल एंड दे आर मेजर्ड इन एंड दे आर मेजर्ड इन रेडियंस। ना हमने क्या लिखा था यहाँ पे कि अगर थीटा बहुत छोटा है तो साइन थीटा विल बी अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू थीटा। नाउ देखिए, एक इक्वेशन हम लिखते हैं, ये दिख रहा है आपको वैल्यू? सो साइन ऑफ ए प्लस डेल्टा एम बाई टू इसके इक्वल हो जाएगा अप्रोक्सीमेटली ए प्लस डेल्टा एम बाई टू के, एंड साइन ऑफ ए बाई टू किसके इक्वल हो जाएगा? अप्रॉक्सीमेटली ए बाई टू के। अब ये जो वैल्यूज़ है, ये वैल्यूज़ हम इस इक्वेशन में पुट करते हैं, सो वी विल गेट म्यू इज इक्वल टू, क्या मिलेगा हमें? ए प्लस डेल्टा एम डिवाइडेड बाई टू अपॉन ए बाई टू। तो ए और ए
हम डिवाइड करेंगे, ये पहले टू और ये टू क्या हो जाएगा कैंसिल। सो क्या मिलेगा हमें, ए प्लस डेल्टा एम अपॉन ए इज इक्वल टू म्यू। सो लेट्स रीअरेंज, सो म्यू ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए प्लस डेल्टा एम, ए को इधर ले आइए। सो डेल्टा एम विल बी इज इक्वल टू म्यू ए माइनस ए, सो देयर फॉर डेल्टा एम विल बी इज इक्वल टू ए इंटू म्यू माइनस वन। सो ये जो डेल्टा है ये किसके लिए वैल्यू है, दिस इज अ डेविएशन फॉर वेरी थिन प्रिज्म, सो दिस इज डेविएशन फॉर थिन प्रिज्म। अच्छा, उसमें से हम लिख सकते हैं कि जो म्यू माइनस वन है, ये म्यू माइनस वन को हम कहते हैं रिफ्रैक्टिविटी, रिफ्रैक्टिविटी। तो इस वीडियो में हमने क्या देखा कि हमारे पास अगर एक थिन प्रिज्म है, क्या होता है थिन प्रिज्म, जिसका रिफ्रैक्टिव एंगल छोटा हो, उसमें हम क्या कहते हैं कि जो एंगल्स है साइन ऑफ एंगल्स विल बी अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू द एंगल्स। और हमने क्या देखा, हमने तो ये सब्सटीट्यूशन करने के बाद क्या पता चला कि मिनिमम डेविएशन की जो वैल्यू है वो कितना आएगी, ए इंटू म्यू माइनस वन। आई होप आपको समझ में आया कि डेविएशन थ्रू थिन प्रिज्म का वैल्यू हम कैसे फाइंड कर सकते हैं। थैंक यू।